हेलो गाइस तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और फर्स्ट अपडेट है गाइस हमारे थ्री टाइम्स क्लासिक फिजिक चैंपियन क्रिस बम्पस्टेड के बारे में और ये क्रिस ने लेटेस्ट फिजिक अपडेट पोस्ट करी है एंड इन माय ओपिनियन ये क्रिस की अब तक की सबसे बेस्ट फिजिक अपडेट है इस साल की आई मीन लुक एट हिम क्रिस ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइज पुट ऑन कर लिया है क्रिस इज लुकिंग बिग एंड इवन दो ऐसा बोला गया था कि क्रिस ने इन के साथ वर्क करना रिसेंटली ही बंद करा है बट वी ऑल हैव डिस्कस हाउ फार दैट इज फ्रॉम द ट्रूथ क्रिस की जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है इस साइड चेस्ट में वो है crisco size एंड जो राउंडनेस एंड थ्री क्रिस की फिजिक में इस टाइम दिख रही है वो हमने नहीं देखी इससे पहले इस राउंडनेस और थ्री डी हैं इस, तो इस बार क्रिस का हम एक बिगर एंड वे मोर कंडीशन वर्जन देखेंगे क्योंकि टॉल होने की वजह से क्रिस के पास ज्यादा साइज होल्ड करने का और ज्यादा वेट कैप का एडवांटेज है और उसके भी बाद ज्यादा साइज और उसके बाद जिस तरह की कंडीशनिंग और क्लासिक स्ट्रक्चर क्रिस कैरी करते हैं ये इन्हें नेक्स्ट

सकते। तो शॉन ने अपने इस YouTube चैनल पर और इस वीडियो में साथ ही Instagram पर भी बताया है कि वो दोबारा से अपना टाइटल रिक्लेम करने के लिए 212 डिवीजन में ही कंप्लीट करेंगे तो इट्स क्लियर गाइस शॉन ने अपना डिसीजन ले लिया है एंड आई थिंक 100% इट्स द ओनली राइट डिसीजन इस साल के लाइनअप को देखते हुए क्योंकि ओपन कैटेगरी में देयर आर सो मेनी मॉस मॉन्स्टर्स दिस ईयर एंड थर्टी सिक्स कम्पेटिटर्स जो अभी तक फाइनलाइज हुए हैं I think. इस बार का ओपन डिविजन जितना में नहीं हुआ टॉप टेन प्लेस करना भी इस बार इज गोइंग टू बिग थिंग एंड नथिंग टू टेक जबरदस्त कंडीशनिंग पीक हिट करके आते हैं श्रॉन स्टेज पर बट ओपन कैटेगरी में और स्पेशली इस बार वो काफी नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एथलीट बहुत ज्यादा फ्री की बिग एंड साइज होल्ड कर रहे हैं निक वॉकर दे आर ऑल मास्ट मॉस्टर्स और उसके बाद भी ये लोग टॉप सिक्स में प्लेस करेंगे या नहीं इस बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है नो बड़ी नोज

तो हमें लगा कि ये पुरानी भी हो सकती है बट यहाँ कमेंट्स में पता लगा कि ब्रेंडन से किसी ने पूछा था कि न्यू और ओल्ड और ब्रांडन ने आंसर करके कंफर्म करा कि इट इज न्यू सो सी गाइस हाउ ब्रांडन इज लुकिंग अप्रोक्स 4.5 वीक्स आउट एंड जो लोग भी

देखिए कैसे डीप सेपरेटेड दिस इज रियली अमेजिंग सो गाइस ऑल आइज आर ऑन सेट एज वेल अपनी इन लेटेस्ट अपडेट्स में तो ये इंप्रेसिव लग ही रहे हैं बट क्या यही चीज ये स्टेज पर भी ला पाएंगे ये देखने के लिए बस थोड़ा ही वेट करना होगा बट ही ट्रूली इज गोइंग टू द ओलंपिया एज अ प्रॉमिसिंग एथलीट एंड गाइज ये रिसेंट बिग रैमी की अपडेट जिसमें आप बिग रैमी को डम्बल कॉल करते हुए देख रहे हो और इस अपडेट में कैन यू लुक एट द फोकस एंड फायर जो रैमी की पता लग रही है इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन गाइज बट इट्स लाइक

बट अगर इस बेग्रामी को हराना है तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट तो अटाइस मैट जैनसन ने ये स्टेटमेंट पास करी है जो बाइज एंड के इंस्टाग्राम चैनल पर आई फाउंड आउट और इसमें मैट ने कहा है कि चार्ल्स ग्रिफिन को जिस तरह से लोग कंसीडर कर रहे हैं उनकी पास्ट परफॉर्मेंसिस पर वो सही नहीं है वो ऐसे कभी नहीं दिखे जैसे वो अभी दिख रहे हैं नाउ ही इज 15 पाउंड है एंड ये देखिए चार्ल्स की इसी पॉइंट पर लास्ट ईयर की अपडेट और इसमें अनडाउटेडली चार्ल्स बिल्कुल फीकी लग रहे हैं द कंडीशनिंग द ग्रेनी थिंग इज दियर जो एक टॉप क्लास बॉडी बिल्डर में होनी चाहिए और अब ये देखिए ये रिसेंट अपडेट एंड यहाँ ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं ट्रेन करते हुए जो थिकनेस और कंडीशनिंग हम देख पा रहे हैं बट स्टेज पर गाइज एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस दिखता है जब आप खड़े होते हो दूसरे कम्पेटिटर के साथ दियर इज दट एक्स फैक्टर मिसिंग ना वो फ्रीक फैक्टर यहाँ पता लग रहा है ना ही एंड्रीजेक्ट और ब्लैसिंग जैसी एस्थेटिक ना ही निक और Hardy जैसी और ना ही ब्रांडन और टॉप टेन yes, के, तो really के बाहर ही प्लेस करेंगे बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताए अपनी ओपिनियन नेक्स्ट अपडेट है क्लासिक डिविजन से अबाउट लोगन फ्रेंकलिनटर टॉल बॉडी बिल्डर विद्लाट दो ने डेब्यू करा था तो उससे पहले काफी बातें हुई थी कि लोग करें क्रिस पम्पस्टेड के साथ बट ही प्लेस नाइन्थ जो उनके हिसाब से काफी अच्छी प्लेसिंग नहीं थी एंड इस बार लोगन एक बहुत लंबा ऑफ सीजन लेकर रिटर्निंग ऑन स्टेज एंड ऑनस्टली बेस्ट वर्जन अब तक का हम देख पा रहे हैं

बिल्कुल नहीं क्रीजो की इस लेटेस्ट अपडेट में आप क्रीजो कोर्ट ट्रेन करते हुए देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द लास्ट शो दैट बैक एक वो बॉडी पार्ट है जहां क्रीजो को सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है बट वी ऑल नो फोर पॉइंट फाइव आउट में बैक की विध और थिकनेस इंप्रूव नहीं करी जा सकती तो गाइज ये है क्रीजो की सबसे लेटेस्ट अपडेट जिसमें क्रीजो हमें अपना वर्कआउट के बाद का पंप दिखा रहे हैं और यहाँ पर तो ये क्रेजी मैसिव और वैस्कुलर लग रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन में इनकी दिख रही है बट हम सब जानते हैं कि आफ्टर पंप आफ्टर वर्कआउट आपकी बॉडी कितनी ज्यादा चेंज दिखती है तो इसीलिए इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर क्रिजो को इस ओलंपिया में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो सर्टेनली विल हैव टू कम इन वेरी और आई होप कि अब तक क्रिजो ने इस चीज को इसीलिए बचा के रखा है सबसे बड़े स्टेज के लिए फोर पॉइंट फाइव वीक्स उस चीज के लिए काफी है दैट इज इफ यस ही कोई बात ही नहीं है इतना मासी फ्रेम क्रीजो का है अगर ही लूजेज सम साइज तो भी ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मास मास्टर्स बट पोजिंग कंडीशनिंग एंड फ्रेड्स ये तीनों चीजें ऑन पॉइंट करनी पड़ेंगी अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है फर्स्ट ओलंपिया में ही क्रीजो को नहीं तो आगे देर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रीजो क्योंकि अभी वो सिर्फ 31 या 32 साल के ही हैं तो आगे बहुत ज्यादा वो इम्प्रूव करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बाकी आई होप गज वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बैल को दबा दो थैंक यू बाय